स्टूडेंट्स इस लेसन में हम जो है कॉमन कैटेगरी को पढ़ेंगे, सामान्य कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, कैसे बनती है, कैसा वक्र है, हमने जानेंगे। जब एक समान डोरी या जंजीर, मतलब हमारे पास कोई जंजीर है और उसे हम दो स्थिर बिंदुओं से टांगते हैं, लटकाते हैं, वो दोनों बिंदु जो है मतलब ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब अटके हुए होना चाहिए, मतलब एक ही सीधी रेखा में नहीं होनी चाहिए ऊर्ध्वाधर। तो उन दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई जो जंजीर है वो जो आकृति बनाएगी या वक्र बनेगा वो आपका कैटेनरी कहलाता है, इसे हम कैटेनरी कहते हैं। जब डोरी या जंजीर की प्रति, अब जैसे कैटेनरी बनी, आप कैटेनरी बनी, तो कैटेनरी में अगर जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार जो है वो समान है तो इससे जो है हम कैटेनरी को एक समान कैटेनरी या सामान्य कैटेनरी कहते हैं। और ये परिभाषा जो है आपकी दो बार पूछी गई है। सामान्य कैटेनरी का समीकरण क्या होगा, नए समीकरण क्या होगा, आप जानते हो नए समीकरण क्या होता है, एस और साई के बीच के रिलेशन को हम नए समीकरण कहते हैं। अब हम एक कैटेनरी पर विचार करते हैं जो ए और बी बिंदुओं के मध्य में लटकी हुई है, जिसमें सी उसका निम्नतम बिंदु है। और इस कैटेनरी में जो है कौन कौन से बल हैं आप देखें, इस कैटेनरी की ये जो सिरा है ना सी बी सिरा, इस सी बी सिरा में तनाव है टी, इसमें तनाव टी है, सीपी सीपी का भार जो है आपका डब्ल्यू एस, हमने एक काई लंबाई का जो भार है वो स्मॉल डब्ल्यू माना है, तो वो आपका जैसे सीपी की लंबाई हमने एस मानी तो उसका भार हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस। एन पी जो है आपकी एन पी एन पी के अंदर तनाव टी, मतलब देखो आपकी जो है ना ये तो एनपी का जो है आपके ये तो हो गया तनाव और सी पर क्षैतिज तनाव हो गया और आपके डब्ल्यू एस भार हो गया। अब इनके हम जो है ना बलों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों का वियोजन करते हैं, बलों का वियोजन करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप जो ये टेंशन है ये टी साई कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ, तो हम जो है इसका क्षैतिज घटक ले टी कॉस साई राइट साइड में, तो अब ये टी कॉस साई बराबर होगा आपका जो नीचे वाले बिंदु सी पर जो निम्नतम बिंदु पर जो क्षैतिज तनाव लग रहा है ना टी जीरो उसके बराबर, क्षैतिज घटक तो हमेशा टी जीरो के बराबर होगा और ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो आपके भार के बराबर डब्ल्यू एस के बराबर। अब आप अगर समीकरण एक का दो भाग दे देंगे ना तो ये बन जाएगा आपका टेन साई बराबर डब्ल्यू एस बटा टी जीरो। अब टी जीरो को अगर हम डब्ल्यू सी मान लें, मतलब सी लंबाई की डोरी का भार, तो आपका जो है ना ये आ जाएगा डब्ल्यू एस बटे डब्ल्यू सी बराबर एस बराबर सी टेन साई, और ये एस बराबर टी सी टेन साई नए समीकरण पूछा गया 2018 में एक बार, एक मतलब एक नंबर का जो ए सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं एक नंबर उसमें। अब सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण, ये तो नए समीकरण हो गया एस बराबर सी टेन साई, अब हम कार्तीय समीकरण बनाएंगे इससे, तो कैसे बनाएंगे देखो, एस बराबर आपने क्या पढ़ा सी टेन साई, अब टेन साई किसके बराबर होता है डी बाई डी एक्स, भाई किसी भी वक्र के लिए स्पर्श रेखा का ढाल जो है वो आपका टेन साई होता है, तो वो ढाल हम जो होता है डी बाई डी एक्स, तो हमें टेन साई की जगह लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। अगर हम इसका एक्स सापेक्ष अवकलन कर दें तो आएगा आपका डी एस बटा डी एक्स बराबर सी डी टू बाई डी एक्स टू, अब डी एस बटा डी एक्स क्या होता है आपने तो चापों के बारे में पढ़ा है, चाप क्या होता है डी एस बटा डी एक्स अंडर रूट वन प्लस डीवाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर सी डी टू डी एक्स टू, डीवाई डी एक्स को आप अगर पी मान लें तो आपका ये बन जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट में बराबर सी डी पी डी एक्स, चरों का पृथक्करण कर लेंगे आप, ये चरों का पृथक्करण कर लिया तो आपका डी एक्स अलग हो जाएगा और सी डी पी बटे में ये आपका अंडर रूट चला जाएगा, इधर समाकलन करोगे तो एक्स की जगह तो एक्स आ जाएगा प्लस आपका अचर समाकलन का अचर, और वन प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट में इसका समाकलन जो करोगे ना अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर हर में, तो ये बनेगा आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी। अब आप देखो इसमें शर्त लगाओगे इस चर को जो अचर है ना आपका ए, इसे ज्ञात करने के लिए शर्त क्या है, आपका निम्नतम बिंदु पे जो है ना एक्स बराबर जीरो पर स्पर्श रेखा का ढाल जीरो है तो डी बाई डी एक्स आपका जीरो होगा तो यानी पी जीरो होगा, तो एक्स बराबर अगर जीरो रखेंगे तो पी जीरो साइन हाइपरबोलिक का मान इनवर्स का मान जीरो, इससे आपका ए का मान आएगा जीरो, ठीक है ना।
ये आपका ए का मान 0 आ गया, तो आपका आ जाएगा एक्स बराबर सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, तो पी बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब डी बाई डी एक्स बराबर आपका आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, डी बाई डी एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब बाई बराबर आपका अगर हम समाकलन करते हैं तो आएगा सी इसका डी बाई डी एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का, बाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी प्लस बी। बी को हम ज्ञात करेंगे, बी को ज्ञात करेंगे तो आप क्या करोगे, नीचे वाले बिंदु जो है आपका वो जहां बाई का मान तो सी होता है, बाई बराबर सी वहां एक्स का मान होता है 0, तो ये आप मान रखोगे तो बाई की जगह सी और एक्स की जगह 0, तो आप कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है, तो आपका आएगा सी बराबर सी प्लस बी, ये बी का मान आएगा कैसे 0, तो आप ये रखोगे तो बाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसको आप ध्यान रखोगे बाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये कार्तीय समीकरण, जबकि नए समीकरण आपका होता है एस बराबर सी टेन साई। अब कैट नदी का जो शीर्ष है वो आपको 0c होता है। अब देखो ये जो कैट नदी का कार्तीय समीकरण है y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, उसमें यदि आप cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का प्रसार करते हो तो और उच्च पदों को नगण्य मान लें तो आपको ये आ जाएगा y बराबर c प्लस a बटे 2 x स्क्वायर अपॉन c, सी को हम पर्याप्त बड़ा ले लेंगे तो हम उच्च पदों को छोड़ सकते हैं, तो आप ये आ जाएगा बाई माइनस सी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी, एक्स स्क्वायर बराबर 2c y माइनस सी, जो कि लगभग किसकी आकृति है, ये आपकी परवलय की आकृति, इसमें नाविलंब क्या है आपका ये जो 2c, ठीक है ना 2c। सी को हम कैटेनरी का प्राचल कहते हैं, और जो सी मतलब शीर्ष से सी गहराई के नीचे जो आपका अक्ष है एक्स अक्ष, वो आपकी नेता होती है कैटेनरी की। और दो परिभाषा है, एक तो विस्तृति और एक झोल, तो देखो कैटेनरी के जो दो शीर्ष है ना ए तथा बी, अगर एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित है, एक ही लाइन में, एक ही क्षैतिज रेखा में, तो ए और बी के मध्य की जो दूरी है ना वो उसकी विस्तृति कहलाती है कैटेनरी की, और जो ए बी क्षैतिज रेखा है उसके नीचे जो शीर्ष है उस शीर्ष की गहराई, क्षैतिज रेखा ए बी से शीर्ष की गहराई जो है वो झोल कहलाती है। दोनों ही परिभाषाएं साथ साथ पूछ रही है कि झोल और विस्तृति किसे कहते हैं, ये आपका पूरा 1 नंबर क्वेश्चन, तो दोनों पर वैसे आधे आधे नंबर की हो गई। अब कैटेनरी के बारे में देखो, इसके कुछ मान है जिन्हें आप याद रख सकते हैं, तनाव के जैसे कैटेनरी में किसी भी बिंदु पर तनाव का जो क्षैतिज घटक होगा वो हमेशा टी कॉस के बराबर आएगा, वो डब्ल्यू सी फिक्स है, ये तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक जो टी साइन साई बराबर डब्ल्यू एस होगा, जो नीचे भार होता है उसके बराबर होता है टी साइन साई, ऊर्ध्वाधर घटक डब्ल्यू एस, एस बराबर आपका सी टेन साई होता है, तो सी रखा आपने डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मान क्या होता है कार्तीय से आप लाओगे तो वो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो आपका ये आ गया सिंस आपने ये बाई बराबर जानते हो सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसका अवकलन करके रखोगे डी बाई डी एक्स, तो आपका ये आ जाएगा एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब देखो एस का मान ये हो गया सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, बाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर में आप रखोगे ना मान बाई का ये सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और एस का मान रखोगे ये सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये मान रखेंगे तो आप क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक सी स्क्वायर कॉमन, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, तो आपका ये आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसका मान एक होता है, तो बाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यहाँ पे एक और रिलेशन हो गया कैटेगरी के लिए। अब देखें वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, अब एस का क्या है वो आप कार्तीय वाले मतलब नए समीकरण रखें सी टेन साई वाला, तो ये आपका आएगा सी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर, और बाई बराबर आ जाएगा आपको सी sec साई बी, बाई बराबर आपको सी sec साई। अब देखें ये तो बाई का साई से रिलेशन हो गया, अब एस का साई से रिलेशन लाएंगे, विस्तृति ज्ञात करने के लिए हमें एक्स का मान चाहिए होगा, तो कैसे लाएंगे देखो एस बराबर सी टेन साई, अवकलन करें डी एस बटे डी एक्स बराबर सी सेक स्क्वायर साई डी आई डी साई डी एक्स, डी एस डी एक्स का मान क्या है, डी एस डी एक्स का मान देखो इसका अगर आप अवकलन करेंगे ये आपका है ना डी एस डी एक्स, तो आपका ये आ जाएगा
एस बराबर सी टेंस है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो डी एस बटे डी एक्स बराबर सी सेक स्क्वायर साइन डी साइन बटे डी एक्स। ठीक है, अब डी एस बटे डी एक्स का जो मान आपका आ रहा है वो आपने देखो एस और एक्स के बीच में रिलेशन लाए, वो आपका आया ये एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, आपका इसके जरिए आपका मान आएगा, वो आएगा वाई बराबर सी सेक्स आई है, ये आपका वाई बराबर सी सेक्स आई, और डी एस बटे डी एक्स हमने कहाँ रिलेशन लाए थे, एक यहाँ। ठीक है, तो ये जो है आपका डी एस बटे डी एक्स बराबर आपका ये सेक्स आई आ जाएगा हम, और ये सी सेक्स का सही डी साइड डी एक्स जो है आपका आपका ये रहेगा डी, अब इसको डी एक्स डी साइड एक्स एक्स आई से एक्स एक्स आई कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी साइड, इधर हम लाएंगे तो बराबर सेक्स आई, और एक्स बराबर समाकलन करेंगे तो सी लॉग सेक्स आई, इसका समाकलन होता है सी सेक्स आई का लॉग में, लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई प्लस अच्छा आएगा ए, एक्स बराबर जीरो पर आप क्या होता है साई बराबर जीरो होता है, क्योंकि वहां पर ढाल जो है कोण जो है जीरो होता है, तो एक्स बराबर जीरो साई बराबर जीरो, तो ए का मान जीरो आएगा, एक्स बराबर सी लॉग आपका सेक्स आई प्लस टेन साई, ये आपको विस्तृति के लिए ध्यान रखना है, इस एक्स का दोगुना जो विस्तृति होती है, एक तरफ एक्स होता है तो दूसरी तरफ भी एक्स होता है, तो विस्तृति आपको टू एक्स होती है। किसी भी बिंदु पर तनाव जो आपका टी कॉस साई बराबर टी जीरो हमेशा ये होगा क्षैतिज घटक डब्ल्यू सी होता है, इससे टी बराबर आप आया डब्ल्यू सी सेक्स आई, सी सेक्स आई का मान क्या है वाई, तो आपका टी बराबर डब्ल्यू वाई, तो हमेशा किसी भी बिंदु तनाव आपको है तो डब्ल्यू वाई है। एक जो है ये डेरिवेशन पूछी गई है 2019-18 में, मतलब ये आती है, एक भारी डोरी को दो स्थिर चिकनी गिरनियों पर, अगर आपने कोई भारी डोरी है जो दो चिकनी गिरनियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसको दोनों दोनों जो सिरे है ना ये वो स्वतंत्र है तथा मध्य का भाग जो एक कैटनरी के रूप में है, तो डोरी के जो स्वतंत्र सिरे हैं वो आपके कैटनरी के नेता पर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बी पर जो तनाव है वो किसके बराबर होगा, हमने तनाव किसके आना डब्ल्यू वाई होता है, तो डब्ल्यू और जो बी की कोटी है वो पाई, मतलब तो ये होता है डब्ल्यू बी की कोटी, पर वास्तव में बी पर जो तनाव है ना वो तनाव का मान होगा बी से नीचे जो ये भाग है इसका भार, भार क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू डॉट बी क्यू, क्योंकि बी क्यू भाग की जो है लंबाई का जो भार है वो होगा डब्ल्यू डॉट बी क्यू, क्योंकि इकाई लंबाई का जो भार है वो स्मॉल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डॉट बी क्यू आएगा। एक और दो को हम बराबर कर लेंगे क्योंकि बी पर तनाव है दोनों, तो आपका डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, बी की कोटि बराबर क्या आएगा बी क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटनरी की नेता है, इस कैटनरी की नेता यानी नीचे यहाँ होगी, तो ये जो सिरे है ना ये स्वतंत्र सिरे बी क्यू और इधर एपी इसी प्रकार, ये कहाँ आया कैटनरी की नेता पर आ जाएगा। तो यही तो मैं प्रूव करना था कि जो स्वतंत्र सिरे हैं वो कैटनरी की नेता पर होते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस सारे साल ऐसे ही कर सकते हैं, एक जो है आप देख लें, एक सवाल ये आप 2013-2017 में दोबारा आया हुआ है, क्या है एल लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं ए और बी के मध्य झूलती है, जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु जो है ना सी जो होता है आपका उस पर तनाव का एन गुना है, तो आप उससे ये करना है कि जो विस्तृति होगी ना ए और बी के मध्य की दूरी वो आप ये होगी एल बटा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस ए। अब ए पर तनाव क्या आएगा दे रखा है टी बराबर एन टी जीरो, जो नीचे सी पर टी जीरो उसका एन गुना, अब टी जीरो तो हमेशा डब्ल्यू सी होता है और टी जो है डब्ल्यू वाई होता है, तो आपका ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, एफ बाई का मान आ गया आपका एन सी, यानी ए बिंदु पर बाई का मान एन सी है, और बाई बराबर क्या होता है सी सेक्स आई, तो इससे जो है ना आपका बाई का मान रख देंगे एन सी, सी से सी कट जाएगा, सेक्स आई का जो मान आ गया आपका एन आ गया, इससे हम टेन साई का मान निकाल सकते हैं, टेन साई बराबर क्या होगा अंडर रूट सेक्स स्क्वायर माइनस एक, सेक्स स्क्वायर साई माइनस एक, तो यहाँ एन स्क्वायर माइनस एक आएगा अंडर रूट में, और हमारे पास एक रिलेशन है बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बाई का मान क्या है एन सी, तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस, क्या वास्तव में इस चाप की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है इस चाप की, इस
पूरी जंजीर की लंबाई एल का आधा भाग है, यहाँ सी से लेके आता है, तो एल बटे दो का स्क्वायर आएगा सी। देखो यहाँ से आप सी को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटे 4। तो सी का मान आया आपका, वर्गमूल लेंगे तो एल बटा दो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। इस हम सी के मान को यूज करें किसमें, विस्तृति में। विस्तृति आपकी जो होती है वो 2x होती है। अब x के लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा, x और साई में, वो होता है आपका सी लॉग x बराबर सी लॉग sec साई प्लस tan साई कोष्टक में। विस्तृति 2x है तो 2 से गुणा हो जाएगा। सी का मान हम यहाँ से ये रख देंगे, एल बटा दो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। sec साई और tan साई का हमने मान ज्ञात किए थे, अंडर रूट जो आपका अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये तो आपको tan साई का, sec साई का और tan साई का आपका sec साई क्या आया था एन, और tan साई का आ गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमने मान रख लिया। तो विस्तृति आपकी आ गई, 2 से 2 कट गए, तो एल बटा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया।